हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी बट प्रीति। मैं हूं मनाली और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं कि मेखला चादर यानी कि असामी साड़ी को हम कैसे 5 डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। मेखला चादर दोस्तों ऐसी साड़ी है जिसको हम कई तरीक़ों से पहन सकते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में दी हुई होती है तो इसके साथ थोड़ा ईजी हो जाता है। और वैसे भी हम किसी भी साड़ी को रिपीट करते हैं और उसको पिछली बार से किसी डिफरेंट ड्रेपिंग स्टाइल में वियर करते हैं तो उसका पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। होपफुली मेखला चादर के ये 5 डिफरेंट ड्रेपिंग स्टाइल्स आपको पसंद आएँ और आप इन्हें ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेपिंग स्टाइल ज़्यादा पसंद आया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले साड़ी के स्टिच पार्ट को पेटीकोट में टक कर लेंगे और फ्रंट में प्लीट्स बना लेंगे जैसे नॉर्मल साड़ी में प्लीट्स बनाते हैं, और उनको पेटीकोट में टक कर लेंगे। फर्स्ट ड्रेपिंग स्टाइल में हम पल्लू के एक एंड को प्लीट्स के पास में टक करके पिन से सिक्योर कर लेंगे, दूसरे एंड को बैक साइड से फ्रंट में लाकर प्लीट्स बनाएंगे। अब इन प्लीट्स को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और कमर के राइट साइड में हैंग करते हुए शोल्डर पे पिन से सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारी फर्स्ट ड्रेपिंग स्टाइल तैयार है, जिसे मॉडर्न साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल भी कह सकते हैं। और ये है ड्रेपिंग स्टाइल का कंप्लीट लुक। सेकंड ड्रेपिंग स्टाइल में हम पल्लू के एक एंड को प्लीट्स के पास में टक कर देंगे और दूसरे एंड पर छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। अब इन प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे और बैक साइड से राइट शोल्डर पर आगे की तरफ हैंग कर देंगे। अब इन प्लीट्स के एक एंड को वेस्ट के साइड में पिन अप कर देंगे और शोल्डर पर भी इसे सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारी सीधा पल्लू ड्रेपिंग स्टाइल तैयार है। और ये है इसका कंप्लीट लुक। थर्ड ड्रेपिंग स्टाइल मेखला साड़ी की ट्रेडिशनल ड्रेपिंग स्टाइल है। इसमें हम पल्लू के एक एंड पर छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे और उन्हें सेट करते हुए शोल्डर पर बैक साइड में हैंग कर देंगे। पल्लू के दूसरे एंड को नीचे वाली प्लीट्स के पास में पिन अप कर देंगे। और उसको जिगजैग पैटर्न में फोल्ड करते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। और ये मेखला चादर की ट्रेडिशनल ड्रेपिंग स्टाइल तैयार है। इसे आप फ्री पल्लू में भी स्टाइल कर सकते हैं। फोर्थ ड्रेपिंग स्टाइल में हम नीचे की प्लेट्स और पल्लू की प्लेट्स को ट्रेडिशनल ड्रेपिंग की तरह ही रखेंगे, फिर पल्लू के एक एंड को फ्रंट में लाकर छोटी छोटी नॉर्मल प्लेट्स बनाएंगे और उनको सेट करके नीचे वाली प्लेट्स के बगल में टक कर लेंगे। ये प्लेट्स इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस में दिखती हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और ये हमारी एक और ड्रेपिंग स्टाइल तैयार है। इसको भी आप फ्री पल्लू में पहन सकते हैं। फिफ्थ ड्रेपिंग स्टाइल राजस्थानी ड्रेपिंग स्टाइल है। इसमें हम पल्लू के एक एंड को बैक में टक करते हुए सिंपली शोल्डर पर रख लेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। पल्लू के दूसरे एंड को बैक साइड से फ्रंट में लाएंगे और कॉर्नर से पकड़ते हुए जिगजैग पैटर्न में फोल्ड कर लेंगे और हैंड में रोल करते हुए बैंगल के पास पिन से सिक्योर कर लेंगे। और ये हमारी रॉयल लुक देने वाली फिफ्थ ड्रेपिंग स्टाइल तैयार है। और ये है इसका कंप्लीट लुक। आई होप ये ड्रेपिंग स्टाइल्स आपके लिए हेल्पफुल हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।